तीन बच्चे हमें तो नहीं दिए, आप इतना दूर से आए भूखते हुए। राव जी चलो आ जी आ जी। दांत से नहीं कटा, कट ली मैंने देखा ही नहीं। जय माता दी, जय माता दी। ये पकड़ो, देखिए जमीनी स्तर की सच्चाई आपको दिखाते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाके जीरो रिपोर्टिंग करते हैं और आपको हर मुद्दे को उजागर करने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज क्या हुआ कि हम निकल पड़े थे विधायक साहब से इंटरव्यू लेने, निगम साहब पार्षद साहब से इंटरव्यू लेने, लेकिन हम वो नहीं मिले। सब 23 तारीख को चुनाव होना है कल राजेंद्र नगर सीट पर, तो सब व्यस्त है उसी में लगे हुए। अब बात करते हैं आश्चर्यचकित वाली। तो मैं जब लोगों से बात कर रहा था, किसी शख्स ने कहा कि हमारी मदद करती है कुलदीप बत्रा जी। अब हमने पूछा कि कुलदीप बत्रा जी को, तो कुछ लोगों ने जब बताया कि अभी कल परसों इन्होंने गुरुद्वारे गए, वहाँ राशन बांटा, जिन लोगों को राशन बांटा उन लोगों से हमने बात की कि हमें वो राशन बांटने समय समय पे हमारी मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिले, हमने कुलदीप बत्रा जी से संपर्क करने की कोशिश की, उनका नंबर लिया। उन्होंने कहा कि मैं ये सब इंटरव्यू नहीं देना चाहती, ये सामाजिक कार्य है, मैं ये सब चीज़ें से दूर रहती हूँ, हाँ सेवा करना मेरा कर्तव्य। लेकिन हमने उनसे गुजारिश की कि अब आपको एक बार कैमरे पे आना होगा, लोगों को संदेश देना होगा कि आप जो काम करें कि आपसे लेके प्रेरणा लोग और भी लोग लें और भी लोग मदद करें। अब हमारी खुशनसीबी ये है कि उन्होंने हमें समय दिया, वो हमारे साथ है। आइए कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं, क्या है सेवा, निस्वार्थ है या कोई लालच है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं श्री कुलदीप बत्रा जी से। देखिए कुलदीप बत्रा जी से पूरे विषय पे हमने चर्चा करी, कुल मिला के निचोड़ ये निकला। उन्होंने कहा कि आपकी अपनी इच्छा है, अपने आसपास आप पहले उन लोगों की जरूरत पूरी करें और आप इनसे जुड़ना चाहते हैं। तो देखिए इन्होंने सीधा अपना अकाउंट नंबर दिया, अकाउंट नंबर पूरे भारत सरकार जो है वो नज़र रहती है, कौन पैसा कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो उन्होंने अकाउंट नंबर दिए, नीचे दिए गए अकाउंट नंबर पर आप इनसे संपर्क करें, फ़ोन नंबर दे रही है, फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। कुल मिला के बात ये सामने आई, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा हो गई, हम इनके साथ जुड़ गए। क्या आप जुड़ना चाहेंगे कुलदीप बत्रा जी के साथ, यह आपका अपना फैसला है, हम इनके फैसले से सहमत हैं। आपकी अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या भूमिका थी? ये भूमिका थी कि मैं लोगों की सेवा करती थी, राशन देती थी उनको, मैं कौन होती हूँ देने वाली, भगवान मुझे एक मीडिया बनाया हुआ था, वो दिला रहा था उनको, जिसको कपड़ों की जरूरत थी उनको कपड़े देते, जिनको खाने की जरूरत थी, क्योंकि मेड वेड काम नहीं था उनका, सबने घर से हटाया हुआ था उनको, घर में राशन देने जाती थी। और बहुत लोगों की मैंने सेवा की, अभी तक कर रही हूँ उनकी और आगे भी करती रहूँ तीन मरते दम तक। मेरी यही है कि जो मेरी पेंशन ऑफिस से आ रही है, सारे लोगों की सेवा में लगे। अच्छा, इस सेवा करने का मुख्य कारण क्या, कि आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेगी? नहीं नहीं, मुझे कोई चुनाव का शौक नहीं है, कुछ नहीं है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है और एक है कि लोगों की मदद होगी। प्यार दिल से, प्यार शुद्ध आत्मा से मैं लोगों की सेवा कर रही हूँ। चुनाव लड़ने का ना ना मुझे कोई नहीं, किसी अच्छा दिल्ली में कुछ नहीं चाहिए मुझे। दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब से आप क्या अपेक्षा रखती है? केंद्र साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी लोगों की सेवा करें और एनजीओ बनाए तो उसके साथ जुड़े, एनजीओ के लिए कुछ उनकी मदद करें, बस ये प्रार्थना है मेरी। और हमारे नरेंद्र मोदी साहब के नरेंद्र मोदी जी तो वो बहुत अच्छे हैं, वो तो सबका काम कर रहे हैं, वो तो देश सेवा कर रहे हैं, हम उनके सपोर्ट दें, हम भी देश सेवा कर रहे हैं किस्म की। वो भी ऐसे एनजीओ देखें, उनकी हेल्प करें और हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें, हमारे साथ जुड़े वो भी, कि अगर उनकी तरफ से कुछ हेल्प आती है तो लोगों को और हेल्प मिलेगी। इसलिए कुलदीप बत्रा जी बात हो रही है जुड़ने की, अगर कुछ लोग आपसे मदद की अपेक्षा रखते हैं तो आपसे कैसे जुड़े, क्या आप अपना फोन नंबर सार्वजनिक करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैं अपना फोन नंबर देना चाहूंगी, अपना अकाउंट नंबर देना चाहूंगी बैंक का, जिसकी जो भी श्रद्धा हो उसमें डाल सकता है और अपना जो है योगदान मेरे साथ दे सकता है। कुलदीप बत्रा जी का कहना है कि अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, नीचे दिए गए नंबर पे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, अगर आप उनके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं, और आप अगर कहीं दूर भी रहते हैं तो एक बार बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बात कर सकते हैं, मेरे फोन नंबर पे बात करो, मेरे से जुड़ने की कोशिश करो। तो मेरे एक बार अपना पूरा फोन नंबर बता दीजिए। हाँ जी, मेरा फोन नंबर है 9100950546, कुलदीप बत्रा। कुलदीप बत्रा, हाँ जी। अच्छा कुलदीप बत्रा जी, आपने आज अपना फोन नंबर दे दिया, अगर आपके पास लोग फोन करते हैं हाँ जी तो उम्मीद, एक
कहना चाहती है कि सरकार भी आपकी तरफ आई है, कुछ जरूर अच्छे लोग, सामाजिक लोग आपके पास आए, बिल्कुल जुड़े मेरे साथ सामाजिक लोग। अभी आपने कहा कि एक और 11, हाँ एक और 11 बनते हैं, और एक हो जाएगा 111 बन जाएगा, और एक हो जाएगा, और एक जुड़ जाएगा, 1111 हो जाएगा, ऐसे बढ़ती जाएगी लोगों की। अच्छा, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक आखिरी सवाल। हाँ जी, ये आप जो सेवा कर रही है, और ये मानवता कहे या किसी से आपको प्रेरणा मिली थी, या आपकी अपनी स्टार्टिंग से ये इच्छा पैदा हुई थी? हाँ जी, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैं जब ऑफिस में काम करती थी तो मेरा कुलीग मेरे सामने बैठा था, जबकि मैं ये काम करती आ रही थी सेवा, तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ, मेरे माँ बाप से प्रेरणा मिली है दूसरों की सेवा करना। तो बचपन में मेरा जो मेरे ऑफिस में कुलीग बैठा था वो करता कि मैं एक बार ना फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने गया, वो अरुण जेटली से मिलने गया, ये तब के बाद है, वो जिंदा थे तब। तो कहता मैं उनके घर गया तो वो उनकी कार आई, कार के पीछे बहुत सारे कुत्ते भागते हुए आए, और उनका नौकर एकदम बाहर आया और कैटली लेकर आया दूध की, और साथ में कटोरियां लेकर आया, उन्होंने कटोरियां डालते गए और दूध डालते गए वो जेटली जी। कहते मुझे इतना अच्छा लगा, और कुत्ते उनकी वेट करते थे, जब उनकी गाड़ी आती थी पीछे भागते थे। जब उस लड़के ने, मेरे कुलीग ने मुझे ये बात बताई, मैं कह देखो एक कितनी अच्छी प्रेरणा इसने मुझे दी है, मैं भी ऐसा करूँगी। मैंने अपने बेटे को बोला, वो भी अगले दिन से कुत्तों को दूध पिलाने लग पड़ा। उसने कई अपने इंटरव्यू खराब किए, इंटरव्यू के लिए नहीं गया, कुत्ते बीमार हो जाते गाय, वो अपनी बाइक पे दूध लेकर कुत्तों को डब्बे लेकर सड़कों पे जाता था, दूध कुत्ते वाला मशहूर हो गया बेटा। मतलब आपको प्रेरणा मिली वो श्री अरुण जेटली, अरुण जेटली के बात से मुझे मिली। वैसे मैं काम तो ये कर ही रही थी, मगर मैंने और बढ़ा दिया, हाँ प्रभावित हुए। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रभावित करते हैं जो ऐसी सेवा करते हैं। चलते चलते अंत में एक और सवाल, क्या संदेश देना चाहेगी आप अपनी जनता के लिए, जरूरतमंद जनता के लिए, जो हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगी, बिना किसी रीजन के दूसरों की हेल्प करो, जितना भी कर सकते हो। अगर आपके पास 10 रुपये, आप 5 रुपये में हेल्प कर सकते हो किसी की, आपके लिए 5 का कोई मायना होगा, किसी के लिए बहुत मायनेदार होता है 5 रुपया। आप जितनी आपकी हैसियत है आप हेल्प करो। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी। आज कुलदीप पत्रा जी से मिलकर एक गाने की याद आ गई, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल तू जी जवान के। आज के इंटरव्यू का एक संदेश है कि आप जरूरतमंदों की जरूरत करें, और अपने आसपास आपको लोग दिखे कि इनको जरूरत है तो आप उनकी जरूरत तो करके देखिए, पहल तो करके देखिए, कुलदीप जी ने कर दिए। और अच्छे सामाजिक लोग, मैं उनसे प्रार्थना करूँ कि इनके ऐसी संस्थाओं, ऐसे लोगों के साथ जुड़कर इनको मजबूत कीजिए, क्योंकि सही और जरूरत लोगों की जरूरत पूरी कर सके। इसी के साथ दूंगा इजाजत, मैं आपका अपना राजा नहीं, कैमरे पे मुन्ना भाई।